हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार, आपने अभी तक हीमोग्लोबिन एंड पोरफायरिया के ना आपने दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ये थर्ड टॉपिक है ना, इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा पोरफायरियास। ठीक है, पोरफायरियास मतलब क्या होता है वो बताऊँगा। ठीक है, वैसे तो एक ब्रॉड टॉपिक होता है पोरफायरिंस। ठीक है, उसके अंदर आता है अपना पोरफायरियास। ठीक है, तो यार वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है सिर्फ अपना पोरफायरियास। ठीक है, पोरफायरियास में क्या होता है यार, ये क्या होती है। और पहले एक बात और सुन लो तुम लोग कि ये जो अपना पोरफायरिया है ना, ठीक है, ये अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के लिए। तो यार ये वाला टॉपिक ना हम लोगों को रिसेंटली आया था 20 बैच वालों को, जो अभी हम लोगों के एग्ज़ाम लगे थे अप्रैल में। ठीक है, तो उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना बिल्कुल। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ गया था इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, पोरफायरियास आर द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, क्या होते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, ऑफ द हीम सिंथेसिस, जो हीम मैंने पढ़ाया आपको ना, हीम सिंथेसिस, उसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, कैरेक्टराइज बाय द इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोरफायरिंस, ठीक है, और पोरफायरिंस प्रिकर्सर्स। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी निकल सकता है, एक्सक्रीट हो सकता है। ठीक है, या तो वो यूरिन से हो या तो फीसिस से हो। ठीक है, इतना समझ आता है। ठीक है, अब इसमें एक और कंडीशन होती है, जो पोरफायरियाज होते हैं ना, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, या तो वो अपने इनहेरिटेड हो सकते हैं, एक्वायर्ड मतलब, या इनहेरिटेड मतलब क्या, या तो फिर वो अपने पेरेंट्स से आए हों अपने पास। ठीक है, या एक्वायर्ड मतलब कि या फिर अपने खुद डेवलप्ड हो गए हों। ठीक है, और इसके बाद इनको ना टू टाइप्स में क्लासीफाई किया है। दे आर ब्रॉडली क्लासीफाई इंटू टू कैटेगरीज। ठीक है, दो कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, जो पहली कैटेगरी होती है यार, ठीक है, पहली कैटेगरी अपना कौन सा, एरिथ्रोपोएटिक। ठीक है, और जो दूसरी कैटेगरी है उसको बोलते हैं हेपेटिक। ठीक है, एरिथ्रोपोएटिक मतलब क्या, एंजाइम डिफिशियंस अकर्स इन द एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स में जो एंजाइम की डिफिशियंसी होगी उसकी वजह से जो पोरफायरियास होंगे उसको बोल देंगे अपन एरिथ्रोसाइटिक। ठीक है, और जो अपने हेपेटिक, हेपेटिक में क्या, जो लीवर है उसमें जो एंजाइम की डिफिशियंसी होगी उसको बोलेंगे अपन हेपेटिक पोरफायरियास। ठीक है, इतना समझ आता है। और देखो कुछ पॉइंट जो मैंने रेड से लिख रखे हैं यहाँ पे, ऑल द नॉन पोरफायरियास आर इनहेरिटेड एज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। एक चीज़ आप याद रखना कि जितने भी अपने यहाँ पे मैं आपको पोरफायरियास पढ़ाने वाला हूँ वो सारे के सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट हैं। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, इनहेरिटेड। ठीक है, जो इनहेरिटेड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होंगे। ठीक है, इतना आपने याद कर लिया। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस भी आता है। ठीक है, एक्सेप्शन केस क्या होता है, जो अपना कोजेनाइटल एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया होता है ना, कोजेनाइटल, ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, कोजेनाइटल एरिथ्रोपोएटिक जो पोरफायरिया है, ठीक है, वो अपना एक्सेप्शन है, वो क्या होता है अपना ऑटोसोमल रिसेसिव। ये चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, वो आपसे पूछ भी सकता है, एमसीक्यू भी बना सकता है यहाँ से, तो आपको इसको एमसीक्यू के लिए याद रखना है। और आप अगर इसको लिखोगे ना तो जो चेकर होगा ना उसको ना एग्जामिनर को चेक करने में भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये की पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख देना वहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, आपको एक टेबल बताऊँगा। ठीक है, उस टेबल में आपको ये सारे के सारे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो अपन ने क्या लिया है, यहाँ पे जनरली पहले अपन ने लिया है टाइप्स ऑफ पोरफायरिया फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद एंजाइम डिफेक्ट। ठीक है, फिर लिया इनहेरिटेंस क्या है, फिर लिया एक्सक्रीशन इन यूरिन, और बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स। इतना समझ आता है। अब इसके बाद जो मेरा पहला वाला है ना, पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा सारे के सारे हेपेटिक। ठीक है, हेपेटिक पोरफायरियास, फिर पढ़ाऊँगा आपका एरिथ्रोपोएटिक। ठीक है, पोरफायरियास, तो हेपेटिक में जो पहला वाला है वो अपना क्या, एक्यूट। ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहा है एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। ठीक है, इसमें एंजाइम की डिफिशियंसी कौन सी है, यूपीजी फर्स्ट सिंथेस, या पर अपन क्या कह सकते हैं बीपीजी वन सिंथेस। ठीक है, दो नाम है इसके। ठीक है, ये अपने एंजाइम डिफिशियंट होते हैं। ठीक है, तो यार जो मैंने आपको पढ़ाया था हीम सिंथेस, ठीक है, हीम का बायोसिंथेसिस, उसमें जो मैंने आपको चार्ट बताया था, ठीक है ना, चार्ट में जहाँ मैंने आपको बताई थी पूरी पूरी जो साइकिल बताई थी ना, उस साइकिल में आपको ये सारे एंजाइम मिलेंगे। अगर एंजाइम की डिफिशियंसी हो तो इसका जो नीचे वाला प्रोडक्ट है ना, तो नीचे वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। देखो मैं यहाँ पे ऐसे बताता हूँ, यहाँ पे क्या है यूपीजी वन सिंथेस या फिर पीबीजी वन सिंथेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कौन सा था अपना,
यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है। यहाँ पे सिंथेसिस अपन ने एग्ज़ाम वो नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे दो दो नाम है, मतलब कि एक एंजाइम की, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसे मान चले ऐसे पी बी जी था, ठीक है ना, पी पी जी सिंथेसिस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, तो अब जो सिंथेसिस हो रही है, अब मान चलो कि यहाँ पे इस एंजाइम की डिफिशियंसी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ठीक है, यहाँ पे एंजाइम काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो अपना पी बी जी है ना, ठीक है, वो क्या होगा, एक्सक्रीट होने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो यू पी जी है, इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। सारा का सारा अपने को यहाँ पे ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप क्या करना, आप ना इसको अलग से खोल के रख लेना अपने नोट्स में, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, ठीक है। इसको आप अपने नोट्स में खोल के रख लेना और वहाँ से ना इस टेबल को मैच कर करके पढ़ना, ठीक है। तो ये क्या होता है अपना ऑटोसोमल डोमिनेंट, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सारे के सारे क्या होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सिर्फ एक को छोड़ के, कौन सा होता है वो, कोजेनाइटल इरिथ्रोपोएटिक, ठीक है, पोरफायरिया। तो वो क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या एक्सक्रीट क्या होता है यूरिन में, ठीक है, प्रिकर्सर्स यूज मतलब कि निकलते हैं, ठीक है, ए एल ई निकलता है, ठीक है, पी बी जी निकलता है, ठीक है, और नो कलर ऑन वॉइडिंग, जब भी कोई भी अगर टॉयलेट वगैरह करता है तो या फिर कुछ भी करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कोई भी कलर नहीं आता है, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं अपन, मोस्ट कॉमन पोरफायरिया होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर 10,000 की बात करता हूँ, अगर 10,000 को अगर ये चीज़ है, ठीक है, अगर इतने मतलब लोग हैं, सॉरी, तो उसमें से एक को होने के चांस होते हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमन पोरफायरिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है। न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स दिखते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नो फोटो सेंसिटिविटी, इसमें फ़ोटो सेंसिटिविटी नहीं होती है। ये तीन सिम्टम्स आपको याद रख लेने हैं, ठीक है, इतना समझ आता है। अब इसके बाद जो अपना सेकेंड है, सेकेंड अपना कौन सा है, पोरफायरिया क्यूटे क्यूटे का टाडा, ठीक है, नाम भी यार उल्टे सीधे हैं इसके, तो अच्छे से याद कर लेना आप लोग, ठीक है। इसमें जो अपना एंजाइम होता है, एंजाइम कौन सा आएगा अपना, यू पी जी डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है, यू पी जी डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट आपको पता ही है, इसमें क्या एक्सक्रीट होगा, ठीक है, यूरो पोरफायरिंस, ठीक है, और यूरिन होगा ना वो कलर्ड होगा, ठीक है, ऊपर अनकलर्ड था, यहाँ पे कलर्ड होगा, ठीक है। इसमें अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें फ़ोटो सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, इसमें फ़ोटो सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, इतना समझ आता है। अब इसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड है अपना हेरिडिटरी, ठीक है, कॉर्पो, ठीक है, कॉप्रो पोरफायरिया, ठीक है, हेरिडिटरी कॉर्पो कॉप्रो पोरफायरिया, ठीक है। इसमें जो एंजाइम डिफिशियंसी वो क्या है, सी पी जी थर्ड ऑक्सीडेज, ये सारे के सारे अपने हीम सिंथेसिस के एंजाइम है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यूरो पोरफायरिंस, ठीक है, और कॉप्रो पोरफायरिंस, ठीक है, ये होगा एक्सक्रीट हो जाएंगे यूरिन में, ठीक है, ये तो एक्सक्रीशन की बात है। सिम्टम्स क्या होगा, सिम्टम्स सिमिलर एस ए आई पी एंड सी पी सी टी, ठीक है। इनका मतलब क्या हुआ, जो मैंने आपको पहला बताया एक्यूट इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीटेंट, ठीक है, पोरफायरिया, जो फर्स्ट वाला बताया था वो हो गया, और जो सेकंड वाला था पोरफायरिया क्यूटेना, ठीक है, टाडा। तो क्या हो गया यहाँ पे, इन दोनों के जो सिम्टम्स होंगे, मतलब कि ये सारे के सारे सिम्टम्स जो यहाँ दिख रहे हैं ये बॉक्स में, ठीक है, ये बॉक्स में जितने जितने सिम्टम्स होंगे ना यार, वो सारे के सारे अपने को थर्ड वाले में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और जो अपना फोर्थ इसका, ठीक है, तो बैरीगेट पोरफायरिया, इसमें क्या होता है, पी पी जी ऑक्सीडेज की डिफिशियंसी होती है, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ना यार, वो एज इट सेम होंगी थर्ड वाले के, ठीक है, मतलब इसमें ए आई पी भी आएगा, ठीक है, और पी सी टी भी आएगा, ठीक है, और पी सी टी, ठीक है, मतलब कि जो अपना थर्ड और फोर्थ है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है, कम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड का, ठीक है, इतना समझ तो आपको आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं बात करता हूँ इरिथ्रोपोएटिक की, ठीक है, इरिथ्रोपोएटिक में आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, कि जो इरिथ्रोपोएटिक में अपना आता है कोजेनाइटल इरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है यार, इसमें मैंने पहले ही आपको बताया, इसमें अपना ऑटोसोमल रिसेसिव आएगा, ठीक है, जो एक्सेप्शन केस है। यहाँ पे क्या हो गया, यू पी जी थर्ड कोसिंथेसिस एंजाइम है, या फिर पी वी जी डी एमिनेस, ठीक है, ये एंजाइम है, ठीक है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको जो सिंथेसिस वाला चार्ट है ना हिम सिंथेसिस, उसको आपको साइड में खोल के रखना है जब मैं ये वीडियो पढ़ाऊँ तो, और आपको वहाँ से देखते चलना है, ठीक है,
इस एंजाइम की डिफिशियंसी है तो क्या नहीं बनेगा, ठीक है, क्या एक्यूमुलेट होगा या तो फिर क्या एक्सक्रीट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अपना यूरोपोरफायरिंस, ठीक है, और कॉप्रोपोरफायरिंस एक्सक्रीट होगा, ठीक है, और जो अपीयरेंस आने वाला वो आएगा अपना पोर्ट बाइन अपीयरेंस, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, पोर्ट बाइन अपीयरेंस, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या क्या आता है, इसके सिम्टम्स में, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, फोटो सेंसिटिविटी यहाँ पे आती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है हीमोलाइसिस। तो यहाँ पे अपने को एक और नया कौन सी मिली कैरेक्टरिस्टिक्स, हीमोलाइसिस, ठीक है, तो आपको यहाँ इसको याद कर लेना है। जो अपना लास्ट है यार, लास्ट बचता है अपना उसमें एरिथ्रोपोएटिक में, ठीक है, वो होता है अपना प्रोटोपोरफायरिया, ठीक है। प्रोटोपोरफायरिया में जो एंजाइम डिफिशियंट होता है वो अपनी लास्ट स्टेप होती है सेवेंथ हीम सिंथेसिस की, वहाँ पर अपना हीम सिंथेसिस एंजाइम लगता है, ठीक है, या फिर फिरोचिलेटेस लगता है, ठीक है। इन एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नाइदर पोरफायरिंस और नॉन प्रकर्सर आर एक्सक्रीट इन यूरिन्स, ठीक है, मतलब इसमें कोई भी पोरफायरिंस एक्सक्रीट नहीं होता, ठीक है, और ना ही इसका प्रकर्सर एक्सक्रीट होती यूरिन में। तो आपको याद रखना है, एमसीक्यू बन सकता है कि ऐसा कौन सा पोरफायरिया जिसमें कि कुछ भी एक्सक्रीट नहीं होता है, ठीक है, तो आपको बताना है प्रोटो पोरफायरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, आरबीसी शोस फ्लोरोसेंट, मतलब आरबीसी में कलर आने लगता है, ठीक है, और इसमें क्या रहता है, फोटो सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई यार अपनी सारी नॉर्मल बात, और यही की यही पूरी टेबल आई थी हम लोगों को यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो आपको ना इसको अच्छे से याद करके रख लेना है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ा दिया है कि यार बाई चांस क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि क्या होता है ना यार, बहुत बार है ना यूनिवर्सिटी क्वेश्चन रिपीट कर देती है, ठीक है ना। और यूनिवर्सिटी अगर क्वेश्चन रिपीट कर देगी ना, और आप अगर उसको पढ़ के नहीं जाने वाले, तो ना आपको यार बहुत दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन ना आप पढ़ के नहीं गए हो, ठीक है। तो अपने को यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करने, वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ाऊंगा, और उसके बाद वो टॉपिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ जो यूनिवर्सिटी में आए हैं बट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि आपको कोई सा टॉपिक छूट जाए। और अगर कुछ मेरे को लगता है कि जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से कि ये क्वेश्चन आ सकता है या ये टॉपिक इस बार पूछा जा सकता है, तो वो वाला भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बाकी जो नोट्स वगैरह हैं वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके ले सकते हैं, इसकी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, ठीक है। और बाकी यार अच्छे से पढ़ाई करिए, इन्जॉय करो लाइफ, बढ़िया फर्स्ट ईयर में चिल रहना है बिल्कुल, ठीक है। पढ़ाई का इतना लोड नहीं लेना है आप लोगों के लिए ना। जब मैं सेकंड ईयर में आ गया हूँ, तो मेरे को यार सेकंड ईयर के सब्जेक्ट है ना वो मतलब बहुत ही डिफरेंट लगते हैं फर्स्ट ईयर से। तो मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट थे ना वो काफ़ी ईजी हैं, और जो सब फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है ना वो काफ़ी ईजी हैं यार, आराम से हो जाएंगे। आप बस वीडियो देखते जाइए और आराम से पढ़ते जाइए, ठीक है। और बाकी यार अच्छे से लाइफ इन्जॉय करो, चिल करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।